मैं होने के मनों से भी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे अनु गेमर पे। सो गाइस हमारा पार्ट थ्री, मतलब बोले तो डे थ्री हमारा स्टार्ट हो गया है। देख सकते हो हमारा जो है, हम अच्छे खासे लॉबी में खड़े हैं, अभी लॉबी में ही खड़े हैं। हम चलते हैं गेम और दिखाते हैं हमने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए हैं गेम में, क्या क्या बना दिया, क्या क्या नहीं बनाया है, तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए सो गाइस, देख सकते हो हमारा गेम चुका है। तो यहाँ पे हमने अपना जो बेस को है ना, पूरा आयरन का एकदम मतलब फुल्ली मैक्स कर दिया है, आयरन में पूरा तब्दील कर दिया, क्योंकि हमारे बाजू बाजू में जो थे ना बेस लीजन बेस थे, तो मेरे को बहुत हर बार सता रही थी, दिमाग ख़राब होता। लेकिन हमने इस ऊपर साइड का जो है एक ही फन्नस रूम कर रखा है, इसको मैक्स ऊपर की तीन सीलिंग हमने ट्रिपल सीलिंग लगा रही है, क्योंकि कोई बंदा तोड़ ना पाए फर्नेस रूम को अच्छे से। तो हमने इसको अच्छे से मतलब मेंटेन करके रखा है। और हमने मैंने यहाँ पर पूरा अकेला फार्म अंधाधुंध तोड़ बेतोड़ फार्म डाल दिया इसमें, थोड़ा एक दो घंटे के लिए डाला, ज़्यादा नहीं, एक दो घंटा फार्म किया था ये डाल दिया। अब ज़्यादा फिर हमने बाद में करूँगा, बाद में करके डाल दूँगा। फिलहाल हम चलते हैं मिलिट्री बेस, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा स्पेयर की ज़रूरत है। अभी मेरे को क्यू की क्यू भी जरूरी मिली है, मेरे को इसकी रेसिपी निकालनी है। फिलहाल एक एम की निकाल रखी है उसकी पास उसके है। और यहाँ पे हमको 22 शुक्र है ये इंजन मिल गया, वाव नाइस। और हम इसको अब मारेंगे, बहुत मारेंगे, बहुत गंदा मारेंगे, एकदम बेसुवार वाला मारेंगे, बेतोड़ वाला मारेंगे। लेकिन थोड़ा लैग दिखता हुआ, क्योंकि गेम हैवी है मेरी, और ये 5 GB मेरे गेम ने तो 5 GB ले रखी है भाई, पूरे गेम ने तो मेरी 5 GB ले रखी है, तब जाके गेम आया है भाई साहब। फिर भी इतनी गेम इतनी हैवी तो होनी चाहिए गेम को। और यहाँ पे एवेंजर ने जो है मेरे को देख लिया, और यहाँ पे मेरे को क्या कर रहा है भाई, गोली मार रहा है भाई। पहले हम यहाँ पे एक मेडिकेट मारेंगे, बैंडेज नहीं बैंडेज मार के ऊपर जाते हैं। और हम यहाँ पे पहले चेकआउट करते हैं कि रूम में लूट है कि नहीं, क्योंकि अगर हम खाली चले गए रूम में लूट नहीं है फिर क्या फ़ायदा। इसीलिए पहले हमको चेकआउट कर लेना चाहिए कि लूट है कि नहीं रूम पे। और यहाँ पे हम जाते हैं ऊपर और देख के आते हैं कि लूट है कि नहीं, और यहाँ पे लूट नहीं है। तो गाइस पहले हम रिकवरमेंट करूँगा कि कभी भी अगर जैसे कि मिलिट्री बेस में आते हो तो पहले चेकआउट कर लेना कि रूम में लूट है कि नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो आपने कि मतलब किसी की जैसी भी फेंक रखी हो निकाल के, क्यों वो एनिमी आया होगा यहाँ लूट ला के गया है, वही बंदा है वो शाम। अभी देखना उसका नाम कुछ है, अभी बताता हूँ, क्योंकि मैंने रिपोर्ट भी देखा था एक बार फर्स्ट में थोड़ी देर पहले, तो उस टाइम रिकॉर्डर उन्होंने बंद कर दिया था, तो उस टाइम पे मेरे को बंदा दिखा था। तो मैं उसको ढूंढने के लिए यहाँ ऊपर की तरफ आ गया, तो मैंने देखा कि यहाँ देखते हैं कि ऊपर की तरफ कहीं है। तो एक तो अंधेरा है, रात की रात का रात हो रखी है, मतलब गेम में रात हो रखी, तो इसलिए दिख नहीं रहे थे बंदे, और इसलिए देख फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मैं इधर की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ इधर की तरफ मिल जाएगी कि इधर की तरफ, तो नीचे पे आकर के इधर साइड को देखता हूँ। तो फिर भी मेरे को मतलब वो बंदे की लोकेशन मुझे मतलब जो है दिख जाती है कि वो किस साइड को है, मुझे पता चल जाता है कि वो किस साइड की है, क्योंकि वो लूट लाट के वो सीधे वो आगे की तरफ चला गया होता है, क्योंकि यहाँ एवेंजर भी स्पॉन हुआ था, तो वो पक्का मुझे मालूम था कि वो एवेंजर को ही मारेगा, तो वो आगे की तरफ चला गया होता है, उसके पल्ले साइड के आगे की जहाँ डिसमेंटलर है उस साइड को वो गया था। तो मैंने उसको मतलब एक झलक देख लिया था, तो फिर वो उस साइड को गया, तो मैं उसी साइड को जाने की पीछे से मतलब फ्लैंक करके जाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर मेरे को मिल गया हेलीकॉप्टर, थंबनेल में आपने देख ही चुका होगा कि हेलीकॉप्टर यहाँ पर मिल रहा है। तो ये हेलीकॉप्टर जो है मतलब ये अपना मिलिट्री बेस में जो है, मिलिट्री बेस मतलब समझ लो मिलिट्री है, तो मिलिट्री मतलब एक आर्मी वाला है, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर होना ही होना है। या मैं टैंक तो क्या, या टैंक पानी से तो जाएगा नहीं, तो हेलीकॉप्टर उड़ के जा सकती है, तो ये हेलीकॉप्टर आई मतलब स्पॉन रहती है। तो आप यहाँ पे जब भी ये इसकी HP फुल हो जाएगी या डिस्पॉन होगी, तो चेकआउट करते करते सेलेक्टर आता रहता है, रिस्पॉन डिस्पॉन होता रहता है, तो इसको आप ले जा सकते हो अपना घर, फूल डाल के आप इसको अपना घर ले जाके, ये फूट जाएगा मतलब मतलब थोड़ी देर के लिए काम आ जाएगा, इसी बात की नहीं आएगा। तो रिकॉर्ड करूँगा कि हेली भी आपको फ्री मिल जाता है गेम में, देखो मिलती वैसे आने को बस। और यहाँ पे मैं ये हेली को घर ले जाऊँगा सोच रहा था, लेकिन मेरे पास मेरे साथ क्या ही स्कैम होता, अभी देखिए क्या ही तगड़ा वाला स्कैम हो रहा है। तो फिर मैं पहले सोचता हूँ कि हेली को मैं यहाँ ये ऊपर जो बना रखा है इस पर ले चलता हूँ, कि मेरे को ये चेक करना था कि ऊपर लूट है कि नहीं है, क्या है मतलब ये मिलिट्री बेस में नया नया अपडेट बना रखे हैं, बिल्डिंग तड़ा तड़ाई इतनी लंबे भाई साहब क्या बताऊँ। तो मैं इसको सोचा कि मैं इसको नीचे लैंड करा लेता हूँ, हेलीकॉप्टर को नीचे को लैंड करा के इसको जो है कि मतलब यहाँ पे लैंड कराऊँगा, और ये एक बार देखूँगा कि यहाँ पे ऊपर क्या है क्या नहीं, क्या पता कहीं अच्छा लूट मिल जाए, क्योंकि मैं आपको अभी एक ऐसी जगह दिखाऊंगा इसमें तो जहाँ मेरे को लूट मतलब अंदर था कोई जा नहीं सकता। और यहाँ पे मैं गिर गया भाई चारड़ी सीट से, और ये देखो भाई नीचे ही से ये मेरे को मार रहा है। तो बुआ हम तुमको पहले हम तुमको ही बताते हैं कि तुमको
हमको मार खाई रहे हो, हम तुमको कुछ कह नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, हम अपना चुपचाप जा रहे थे तो तुमने हमको फायर देकर बुलाया भाई को। हाँ तो हम तुमसे मुलाकात करने आते हैं, तो बताओ क्या तुमको चाहिए। तो तुमको खोपड़ी शॉट चाहिए, तो यह हमने कोई खोपड़ी शॉट दे दिया है और इसकी 150 HP होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो एक क्या बोलते हैं, हमको रेडियो निकाल के एक खड़का हेड शॉट मार सकता है। तो लेकिन यहाँ पे एमओ चेस्ट में देख सकते हो मेरे को एक सीमी मिली भाई, कुछ भी। और नीचे देखो बंदा, भाई यही बंदे की बात मैं कब से कर रहा था, ये बंदा कब से मतलब यही है, इसने ही रूम लूट किए हैं, सब कुछ इसने कर दिया, पूरा खाली कर दिया मिलिट्री बेस एकदम, मतलब क्या बताऊँ। लेकिन इसने हेली नहीं देखा था, तो वो हेली हम ऊपर ही रह गया है, वो अटक गया ऊपर ही, मतलब ऊपर ही अट गया, मैं नीचे को आ गया। और ये बंदा मतलब ये क्या कर रहा होता आपको एक्चुअली में पता नहीं होगा, ये एक्चुअली में ये क्या कर रहा था, मैं जो यहाँ करने आया था, मैं क्या करने आया था, मैं आया था एवेंजर को किल करने के लिए, लेकिन और साथ ही रूम लूटिंग जो इसने कर लिया था, और एवेंजर जो किल मुझे करना था। लेकिन ये कहाँ से मानने वाला, ये भी तो एवेंजर को ही किल करने आएगा भाई, लक्ष्मी को कौन छोड़ेगा भाई, आ रही है तो ले जाएगा ही ना। तो ये भी भाई कहीं पीछे हटने वाला मुझे जो, तो पहले ये इसको भी पता नहीं क्या डाउट हुआ कि इसने भी रिपोर्ट सेक्शन चेक किया होगा, तो इसे भी मैं दिख गया था शायद रिपोर्ट सेक्शन में, इसलिए चेकिंग ये करने लगे, ये मुझे ढूंढने लगे और मैंने इसको देख लिया था। तो मैं चेक कर रहा था कि इसके टीममेट आते हैं कि नहीं आते हैं, ये अकेला है या नहीं है, कि ये कौन क्या करना चाहता है। तो मैं यहाँ की तरफ उछल उछल के आने लगा, क्योंकि उछल उछल के फुटप्रिंट्स नहीं मिलता, क्योंकि इसके फुटप्रिंट्स आ गए थे, ये अंदर आ गया। और नीचे देख सकते हो चेस्ट है, ये सप्लाई चेस्ट, ये मैं बोल रहा था अभी कि हिडन प्लेस है, तो यही है वो, पता नहीं कैसे जाते हैं। और फिलहाल मैं यहाँ नीचे आने की कोशिश कर रहा था, और ये देख सकते हो मेरा भाई क्या मतलब यार, ये कितना कैसा ग्लिच है, ऊपर तो खाली है भाई, मतलब अटक रहा था तो अटक जाता वहाँ पे ऐसे दीवार लांगने में, मतलब ये लांगा भी नहीं था, सीधे आया और ख़त्म भाई। के इतने खतरनाक ग्लिच हैं गेम में भाई, डर लगता है गेम खेल के भी मुझे, मैं क्या मैं कल मतलब मेरा आईयू भी जड़ भी गया सब गया, मुझे दोबारा आना पड़ेगा। फिर मैं दोबारा आया गाइस, देख सकते हो नहीं, तब तक उसने अपना टीममेट बुला के भाई मार दिया एवेंजर भाई, क्या यार भाई एवेंजर ले जा रहे हैं हमेशा भाई, मतलब या कुछ भी आप मिलिट्री बेस में भी मतलब अकेला नहीं आऊँगा, आप एवेंजर मारने के लिए अकेले कभी नहीं आऊँगा, अब नहीं आऊँगा अकेले। मैं पहले तो आता था अकेले, तो पहले मार लेते थे अकेले, पहले एकदम मतलब सब कुछ कर लेते थे अकेले, एकदम ग्रीन पर्पल ब्लू सब यही हो जाता था, एकदम अच्छा खासा स्पीयर, मतलब मिलिट्री बेस तो बहुत बढ़िया है भाई, मैं बोलूँ तो एकदम यहाँ पॉइंट भी मिल जाएगा, एवेंजर भी मिल जाएगा, तो बढ़िया सब कुछ यहाँ से सब लूट हो जाता है। तो मैं भाई लेकिन यहाँ फंस गया, आज कुछ नहीं है, और यहाँ पे मेरा लूट बॉक्स लूट के चलता हूँ मैं, अब घर की तरफ निकल जाता हूँ, वो भी चले गए अपना भाई मिलिट्री बेस को लूट ला के, कौन भला रुकेगा भाई यार, सीधे चला जाएगा यार, इसलिए वो भी चले गए, अब हम भी चलते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि बैंडेड कैंप जाऊँ और वहाँ से रूम रन करूँगा, मेरे पास ब्लू कार्ड है, देख सकते हो आप ब्लू कार्ड मेरे जेब कार्ड में पड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सीधे बैंडेड कैंप जाके अब मैं रूम रन करूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ से ग्लाइडर का छलांग लगा के हम यहाँ पे जाते हैं और गन सेटिंग करके ठीक करते हैं, जैसे बैक खोलता हूँ और हटता हूँ भाई, सामने देखो भाई, सामने देख लिया आपने भाई, मतलब ये क्या यार, मतलब ये लोग गए नहीं क्या, मैं सोच रहा था चले जाएंगे भाई, अब यार भाई साहब अब इनसे मैं फाइट लेनी पड़ेगी। तो भाई इनसे हम फाइट लेते हैं, ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या मतलब कर सकते हैं, या मेरे लिए क्या कर सकते हैं, या मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। पहले हम अपना एक बैंडेज मार के अपनी SP पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि फाइट सब करते हो तो पूरी SP होनी चाहिए, तो पूरी SP कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे भाई सब आगे कहाँ जा रहा हूँ भाई, वो देख लेंगे तो मेरी बजा देंगे, तो उन्होंने अभी तक मुझे देखा नहीं एक्चुअली, मैं सच बोल रहा हूँ, पता नहीं मैं अभी तक देखा क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं चमकीला ड्रेस तो लगाया ही नहीं हूँ, मैं खाली नॉर्मल ड्रेस पहन रहा हूँ, तो मैं इसीलिए इससे जल्दी जल्दी दिखता नहीं है अपन, मतलब हम हाइट मतलब लेट भी जाएंगे तो तब भी जल्दी नहीं दिखेंगे, चमकते नहीं है, रात में चमकता है इंसान। तो मैं ऊपर की तरफ फिर इनको थोड़ी देर ट्रोल करके ऊपर की तरफ आता हूँ, तो ये नीचे से फिर ऊपर की तरफ आते हैं, ये नीचे जाके ऊपर की तरफ आते हैं, ये मेरे को ढूंढ रहे थे मतलब। तो ये देखो फिर मैं इसको डैमेज करता हूँ भाई, क्या ही गंदा डैमेज, मतलब कोई डैमेज ही नहीं, और फिर से मैं इसको डैमेज करता हूँ, मतलब उतनी गोली मार रहा हूँ कोई डैमेज नहीं, मतलब क्यों भी झटका यार भाई, क्या यार मतलब भाई, यार लग रहा है मेरे को सेंसिटिव भी मेरी कोई ख़राब हो रखी है, या तो मेरी स्किल भाई, देख सकते हो स्लो मोशन करके दिखा रहा हूँ आपको लोगों को, ध्यान से देखो ध्यान से, कि मतलब इसको मैं डैमेज कर रहा हूँ क्यूवी जेट से, एक नंबर भी डैमेज हो आ रहा है, मेरा नेटवर्क भी सही है, सब कुछ एकदम पिन अच्छा है एकदम बिंदास। फिर मैंने सोचा यार छोड़ो अब हटा, लूट गई भाई, अब मैंने एक क्यूवी जेट घर में पड़ी थी, मैंने कहा उसको उसकी रिसीपी निकालने के लिए मेरे को 500 स्पेयर चाहिए थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ से ये कर लेते हैं, रूम रन कर लेते हैं ऊपर। लेकिन यहाँ आता हूँ मैं चेस्ट देखता हूँ इसको तोड़ने के लिए, और ये देखो भाई साहब पहले इसका बाजू का जो था कितना भी मारो नहीं लगता था,
अब देखो एक बाजू का लग रहा है तो भाई परफेक्ट लग रहा है, परफेक्ट मर रहा हूँ। अब दोबारा फिर से मैं दोबारा पिंडे के टाइम बैंडेड कैंप पे आता हूँ और इस बार मैं वायर डाल के चला जाता हूँ, लेकिन मेरे पास गन नहीं है, गन वहीं पे है भाई, छूट गया सब कुछ। तो हम यहाँ पे आगे मैं सोच रहा हूँ कि गन लूटूंगा, पहले मैंने कहा गन लूटूंगा फिर वो चेस्ट, तो फिर मैं जैसे ही जाता हूँ फटक से और ये वो पहले ही बाजू का चला दिया भाई इस बार, मतलब उसको पता चल गई थी कि मैं आ गया, तो इस बार भी मैं फेल हो गया। फिर तीसरी बार आ गया और मैंने आराम से लूट लाट को फिर यहीं से पीछे साइड से लूट लाट के मैंने इसको फिर इतना धोया, ऐसे धोया क्या बताऊं, लेकिन ये मारने में मेरे को इसको टाइम लग गया भाई, इसको मारने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि इसकी बाजू का थी ना, अगर एक भी लगी फिर से मैं मर जाता और मैं नहीं चाहता फिर मैं घर जाके फिर दोबारा आऊँ ये सिलसिला नहीं चाहिए। मैं इसलिए कवर देख के ध्यान से मारने लगा, इसको 102 का डैमेज दे दिया है, फिर उसके बाद मैंने इसको 102 का डैमेज दिया है, तो मैं फिर सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे इसको अच्छे से एक गोली करके मारूंगा, ट्रोल मार दूंगा, फिर ये मर जाएगा और यहाँ पे ये फाइनली मर गया, इसका दूसरा वाला पार्टनर भी मार दिया। तो भाई तो ये देख सकते हो हमने इस बाजू का वाले आरपीजी वाले को मॉन्स्टर को जो है मार दिया भाई, बहुत खतरनाक है यार, यहाँ मॉन्स्टर ही मार जा रहा है भाई आरपीजी वाला, हाँ बंदा भाई इतना खतरनाक हो रहा है, मैं भाई साहब क्या ही बताऊँ भाई गेम। अब ये एमओ सिस्टम टोड़ा, देखो देखो भाई हमने कहा यार कुछ अच्छा अच्छा लूट मिलता है, एक तो अभी क्यूबी जड़ गई है भाई, एक कोई अच्छी सी यार गन ही मिल जाती फिर से भाई, उसमें कुछ नहीं है। फिर मैंने यहाँ का एमओ सिस्टम टोड़ा, ये बैंडेड कैंप का एमओ सिस्टम, इसमें शॉर्ट गन और एक चलो एक दो चेस्ट बढ़िया बढ़िया गाड़ी बनाने के लिए मेरे को मिल गया, चलो ज़्यादा कुछ नहीं मिला था। फिर उसके बाद हम यहाँ हार्बर पे आते हैं तो ये ब्लू रूम खोलते हैं इसका भी, तो मेरे को वहाँ भी पर्पल कार तो मिला नहीं, यहाँ भी एक एमओ चेस्ट है तो इसको भी देखते हैं क्या मिलता है, मेरा बैग भी फुल हो गया अब जगह नहीं है तो इसको भी देखते हैं। और भाई इसमें भी शॉर्ट गन भाई, क्या मतलब बैरल का क्या करूँगा। फिर उसके बाद मैं सीधे मिलिट्री यहाँ आता हूँ, सॉरी मिलिट्री बेजे बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट आता हूँ तो यहाँ पे एक फ्लेयर गन उसका सेल मिल गया और एसएमजी भाई, गन तो मतलब कुछ नहीं मिला, खाली एक फ्लेयर गन मिला है, तीन चार चीज़ें अच्छी मिली है, बाकी मेरे को अच्छी कुछ नहीं मिली है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे पास स्पेयर हो गई है तो हम क्यूबी जट के रेसिपी निकाल लेंगे घर जाके अपना इंतजाम से, तो हम यहाँ पे डिसमेंटल करेंगे और क्यूबी जट हमारी निकल जाएगी एकदम से, आपकी क्यूबी जट से हम अच्छा सा गेम प्ले करके दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल जो नए आए हैं नए व्यूअर हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और पास में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले, और कमेंट करना कि किसके ऊपर वीडियो चाहिए, और कमेंट करना ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले।